करते वही हो जो तुम्हें सही लगता है अपनी मर्जी का, चाहे तुम्हारी कितनी भी तबीयत खराब हो उसके बावजूद तुम अपनी मर्जी का करते हो, मेरी एक भी नहीं सुनते हो। उस दिन तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी, तुम्हारा बदन आग की तरह तप रहा था, उसके बावजूद तुम नरोत्तम जोशी के कहने पर तालाब में उतर गए मछली पकड़ने के लिए, अपने दोस्त की एक भी नहीं सुनी। और उस दिन मुझे बिना बताए खून बेचने के लिए चले गए, मुझे बताना सही समझा ही नहीं। और आज भी तुमने वही किया अपनी मर्जी का, मेरे इतना मना करने के बावजूद भी तुमने वही काम किया जो तुम्हें सही लगता है। तुम्हें पता है राम जी, जब तुम अपने आप को कोड़े मार रहे थे ना तो दर्द मुझे हो रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि मजबूर है। लेकिन राम जी, इसका यह मतलब नहीं कि हम मजबूर है तो अपने आप को तकलीफ दे। राम जी, तुमने आज ये काम कर लिया अपनी मर्जी का, लेकिन आज के बाद कल से तुम ये काम नहीं करोगे। एक्शन, आज तो तुमने ये काम कर लिया राम, लेकिन कल से ये काम नहीं करोगे। देखो, जिन्हें देखकर हमने ये काम किया वो भी तो यही काम रोज घायल होते हो, ठीक होते धीरे धीरे तुम्हें भी आदत हो जाएगी। और जब कमाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, कम से कम ये रास्ता तो रहेगा ना, अपना शरीर, अपनी क्षमता, अपनी तकलीफ, ये तो अपने हाथों में है ना बाबा। बाबा, आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि आप अपना शरीर, अपनी क्षमता और तकलीफ की बातें कर रहे हैं? बताइए बाबा, ऐसे देख रहा हूं, एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। बाप बेटे हैं हम दोनों, पड़ोसी कहां से हो गए अचानक? एक बार जब लकीर खींच जाए तो पड़ोसी ही बन जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि किसी पड़ोसी को ये बताना चाहिए कि मैं कौन सा काम करता हूं, कहां जाता हूं। मेरे पूछने का मतलब बस इतना ही था कि आप कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। तुम सफाई का काम करते हो, जो काम तुम्हें नहीं करना चाहिए था, इसलिए जब तक तुम वो काम करते हो तब तक किसी को भी कुछ भी पूछना तुम्हें शोभा नहीं देता। जाओ यहां से। और हाँ,
पड़ोसी होने के नाते एक सलाह देना चाहता हूं। पढ़ाई में तेज हो सके तो अपना ध्यान पढ़ाई पर दें। इनको जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि मैं कौन सा काम करता हूं। अगर उसे पता चल जाएगा तो मुझे काम करने नहीं देगा। उससे वो प्यार करता है ना, सहन नहीं कर पाएगा। उसका बाबा खुद को मारने का काम कर रहा है। ओके okay।